भैया, रामू भैया, क्या है? देख लो, मैं जता देता हूँ, अपने बिच्छू को मना कर लो। आज मैंने तुम्हारा मुंह करके छोड़ दिया और मार भी खा ली। क्या है, कुछ कहेगा भी? होता क्या, एक तो खेलते हैं, जब हारने लगते हैं तो बेईमानी करते हैं। आज 50 का दाव लगा था मेरा सत्ते पर, उनका 90 पर। सत्ता गिरा तो कहने लगे 9, और झट से कौड़ी बिगाड़ दी, और मैं बोला तो उल्टे मारने लगे। भला कन्हैया महाराज से आज तक कोई जीता है? पनी कौड़ी चलती है, गल्ला बेच के 200 लाए थे और सब हार गए। खेलता है जिसने गाँव में जो आ रही है, मैं सबका सर तोड़ दूंगा। आज पीछे मेरे जोर खेलते देखा तो मैं कई काम तोड़ दूंगा। सुना, अब चाहे तुझे बुरा मालूम हो या अच्छा, मैं एक दिन बिट्टू के हाथ पांव तोड़ के धर दूंगा। क्यों, क्या हुआ? मेरा बेटा अब एक दिन मुझे और तुझे भी बेच के जुआ खेल डालेगा। 200 का अनाज बेच के जुए में हार गया। हे भगवान, दीदी मैं कहती थी आज सवेरे कहाँ चला गया? तेरे ही लाश जाने से खराब किया है। हर वक्त उसी की तरफदारी करती रहती, जैसे वही तो तेरा लड़का, मैं तो हुई नहीं। तेरा क्या मतलब है? उसका गला ढूंढ दूं, उसको घर से निकाल दूं? अगर मेरा लड़का ऐसा बदमाश होता, अगर कुंडे भर को बदनाम करता रहता, तो मेरे दिल से घर में न कहने देता। ठीक है बेटा। हाँ, अगर होता तो ऐसा ना करता। बिरजू है, बिरजू वो रुपए कहाँ है? रुपए? हाँ, कैसे रुपए? वही जिसकी तुम्हें ज्वारी देती है यार। जुआरी बैठी? किसने बैठी? बिरजू मैं पूछता हूँ, रुपए का 200 रुपए की जुआरी बेच के तुम्हारा क्या है? जुआ खेलता हूँ। माँ, माँ देखो, भैया को मना कर लो, अभी मुझे बहुत परेशान करने लगे। फिर मैं कुछ कहूंगा तो तुम कहो कि बड़े भाई की बदतमीजी करता है। रुपए तुमसे क्या मतलब? रुपए से मैंने अपने हिस्से का अनाज भेज डाले, तुम कौन होते पूछने वाले? रामू चुप रह पाली, बड़ा आया हिस्से वाला। कितने दिन साल में काम किया तुमने? है मेहनत करते दम निकलता है, हिस्सा लेने को सबसे अच्छा। अच्छी बात, मैं तो पहले ही से जानता था कि मेरा इस घर में गुजर नहीं हो सकता। मैं ही कहीं चला जाऊं। हे भगवान, मुझे क्या मालूम था कि इस जन्म में अपना घर जुटते देखना पड़ेगा। मैं तो जानती थी कि इस उम्र में मेरे बच्चे मुझे सुख देंगे। वो तो मैं जानता ही था माँ, कि तुम सारा दोष मुझी को दो। नहीं बेटा, मैं दोष किसी को नहीं देती, दोष सारा मेरे कर्मों का। बिरजू मुझे जाने दो। माँ रोको मत। रामू ओ सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? काशी। तुमसे क्या, कहीं जा रहा हूँ। दादा माफ कर दे, बड़ा इतने बड़े छोटे की क्या बात। बिरजू और मार खाएगा क्या? चले आते छोड़। रामू लगा ले गले, बड़ा आया जाने वाला है। कभी खाया नहीं। सुनो बिरजू की यही हालत रही तो कैसे काम चलेगा? अरे सब चल जाएगा, माँ से कह के उसका ब्याह करा दूंगा, बस ठीक ठाक आएगा। नाक की सीज में है जो अब वो सुधर नहीं सकता। आज अनाज बेचकर जुआ खेल डाला, कल जमीन बेचकर भी खेल डालेगा। मैं तो जानती हूँ तुम अपना हिस्सा अलग कर रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ी है जो तुम उसका भी काम करो? वो तो काम कभी करेगा नहीं, पर हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले तैयार। रोज रोज की मारपीट, रोज रोज के झगड़े, इससे अच्छा तुम अलग मकान बना कर रहे हो। चंगा
आज तो तूने ये बात की है, लेकिन अब कभी ना करना। बीजू अच्छा है, बुरा है, मेरा भाई है। अनाज तो अनाज, अगर एक दिन मुझे भी बेच डाले तब भी मैं उससे अलग नहीं हो सकता। यमुना, लाठी मारे से पानी अलग नहीं होता। हम दोनों ने एक ही माँ का दूध दिया। बिरजू, बदमाशी नहीं छोड़ोगे? हटो, रास्ता छोड़ दो। देखो तुलसी रानी, जरा सोच समझ कर बात किया करो। इस वक्त गर्मी गुस्से से काम नहीं चलेगा, समझी? एक मील दूर गांव है, काट कर डाल दूंगा। मैं तो हंसी से कह रही थी। तुम्हारी कसम तुलसी, अब मैंने खोटे काम सब छोड़ दिए। गांजा, चरस, जुआ, शराब और छेड़छाड़। जवानी कसम, शेर था बस तुमसे। तुम्हें छोड़ गांव भर माँ बहन। लेकिन तुम मुझे क्यों छेड़ते हो? ये बात दूसरी है। अच्छी बात देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे जरा सुन तो, कहाँ जा रही है? अरे भगवान कसम, बड़े अच्छे भाग हैं तुम्हारे। मेरी पत्नी होना कोई मामूली बात? अरे गांव भर की चौकियों के कलेजे पर सांप लूटेंगे, सांप सब दांत लगाए बैठी थी। और अगर तुम्हारे साथ भी कुंडली न मिली तो? लेकिन कैसे नहीं, पंडित जी महाराज का घर पहुँचा लूँ घर। अरे तुम तो कहते थे कि ये पूरे काम तुमने छोड़ दिए हैं। शरीफों के साथ शरीफ और बदमाशों के साथ बदमाश। सारे इन बातों को जाने दे। देख मैं तेरे लिए फर्स्ट क्लास नंबर वन चीज लाया हूँ। शादी के बाद क्या और शादी के पहले क्या? ले चल, ले ले, हाथ में ले ले वो हाथ में। सुनो क्या हुआ? अरे कुछ कहेगी भी? क्या हुआ? मेरे कड़क हो गए हैं। कड़क हो गए? ढूंढ यही कहीं होंगे। कल से कोना कोना तो ढूंढ डाला। क्या कहा? कोना कोना ढूंढ डाला? तो फिर गए कहाँ? 150 की रकम जिन्हें तो कह दिया खो दिए। जिसने बनवाया उससे भी पूछा है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी बहू रानी ने सोने के कड़े खो दिए। बड़े ताज्जुब की बात है, दिन दहाड़े घर से चीज गुम हो जाए, फिर इनके कमरे में जाते ही कौन है? या तुम, या ये खुद, या कभी कभी बिरजू। मगर मेरा बिरजू तो ऐसा है ही नहीं। क्यों? बता दो अच्छी बात कभी। क्या कहती है? कुछ नहीं माँ। नमस्ते मासी। जियो बेटा जियो। वो कमला ने किसी काम से भेजा है? नहीं, मैं तो भाभी से मिठाई खाने आई हूँ। भाभी, तुम्हारी कोई चीज खोई है? अरे बेटा, आज कड़े खो के बैठी है। लीजिए मासी। भाभी, छुपाने की क्या बात थी? यूँ साफ साफ कह दिया होता कि बिरजू भैया क्या तुलसी को भिजवाए हैं। हाँ बेटी, ये कड़े तुझे कैसे मिले? क्या बताऊँ मासी जी, आपके ख्याल से तो मैंने अभी तक कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उन्होंने तो घर से निकलना, रास्ता चलना मुश्किल कर दिया है। जब देखो छेड़छाड़, जब देखो छेड़छाड़। मैं अकेली खेत के तरफ से आ रही थी तो रास्ता रख के खड़े हो गए और कहने लगे, लो ये कड़े मैं तेरे लिए लाया हूँ। सुन लिया तुमने माँ, ये गुण है तुम्हारे चाहते बेटे के। अब अगर पंछी काकों को मालूम हो तो क्या हो? अच्छा बेटा, वो आएगा, मुझे समझा दूंगी, तुझे कभी नहीं छेड़ेगा। अच्छा मासी, मैं जाती हूँ। नमस्ते। जियो बेटा जियो। देखा माँ, शक मुझे भी था, मैंने तेरे डर से नहीं कहा। अरे माँ, जिसको अनाज बेच के जुआ खेल डाले में डरना हुआ तो कड़े क्या चीज है? खूब तेरा नाम चला रहा। अरे बाबा, तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? आएगा तो डांट दूंगी। तो उसको डांटती रहती है। मोहनन जी के छलाने तुलसी जर लई मोर बीच डगर मालाज गई। मोहनन जी के छलाने जर लई। मैं पंडित जी से मिल आया हूँ, समझे? अपनी
कुंजी मिल गई। और सुन, तू कड़े भी मत पहनना। क्या मोहनंदी के छाला ने घेर लई मोरी बीच डगर लाज गई। मोहे नंदी के चलन हैला के बच्चे ये किसको देकर आया था है? ये क्या है माँ? अरे हाँ, मतलब तुम्हें क्या मालूम? नंद के छल जो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि ये भावच के कड़े किसको देकर आया था? भावच के? मैं नहीं जानता हूँ माँ। जो तुझे शर्म नहीं आती? मुँह दर मुँह झूठ बोल रहा है क्या? इस उम्र में भी मार खाने को जी चाहता है? तू तो खाम खा बिगड़ी जाती है माँ। मैंने एक दफा कह दिया कि मैं नहीं जानता तो तू फिर भी गोड़ी गोड़ी। माँ तुम तो समझती नहीं हो, ये कड़े आप छोड़ के तुलसी के पास। तुलसी बेचारा क्या जाने। देख माँ, रामू भैया को मना कर ले, ये मेरे बीच में ना बोला करे। और क्या, तेरे बीच में कोई ना बोले चाहे तो सारे कुटुंब भर की नाक कटाता फिरे। शर्म नहीं आई भाव की कड़े चुरा के दे? बिरजू देख कान खोल के सुन ले, फिर कभी तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझा? आएगा तो डांट दूंगी मामा। चुरा के दे आया एक भावत क्या मिल गई है? हर वक्त शर्म दिखाते रहते हैं। ला खाना लावा। क्या पकाया? जो पकाया वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, मुझसे क्या? कहूँ की ऐसी जरूरत थी तो मुझसे मांग लिया होते। खाना पकाया? आधे चावल कच्चे, ना नमक है ना मिट्टी। दिन में एक मरतबा खाना खाओ वो भी अच्छा नहीं मिलता। अरे क्या हुआ, दूर से पड़ गया क्या? लो ये संभालो अपने घर बार, मैं ये मार खाने नहीं आई, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे बैठ लो, खाए को जाती है। तेरा झूठा है, तेरा देवर है। देवर है तो क्या, जूते मारने के लिए? झूठ, उसे जूता खा मारा, उसे तो तमाचा मारा है। ले मेरे माने माँ। पागल देवर और छाज में तो झगड़ा होता ही रहता है, मैं नाराजगी क्या बात। छाती से लगाने रहने तो ये बात है। मस्तानी सजनिया मेरी मतवारी सजनिया, मस्तानी सजनिया मेरी मतवारी सजनिया, मस्तानी सजनिया मतवारी सजनिया, बलिहारी बलिहार बलिहारी सजनिया, तुम बलिहारी सजनिया। राधा बहन, तुम्हारे घर से चला रहा हूँ, वहाँ पता लगा कि तुम बाड़े में हो। क्यों, क्या हुआ? अरे बड़ा गजब हो गया, जल्दी किसी को भेजो नहीं तो वो गिरोह रख ही देगा। गिरोह रख देगा कौन? अरे बिरजू तुम्हारा और कौन। अरे क्या हुआ काका, क्या हुआ? अरे बेटा आज सवेरे बिरजू मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे हिस्से की जमीन रख लो, मुझे 2,000 रुपए की सख्त जरूरत। मैंने साफ इनकार कर दिया, मैंने कहा कि राधा बहन से पूछ के आया है, तो कहने लगा उसे तुमसे क्या मतलब, मैं आधे का हिस्सेदार हूँ, चाहे रखूँ चाहे भेज डालू चाहे आग लगा दूँ। मैंने कहा बाबा मैं तो रख नहीं सकता, दूसरे मेरे पास इतना रुपया कहाँ, बस बिगड़ गया वो तो। बोला चाचा क्या तुम समझते हो कि गांव में दूसरा कोई महाजन है ही नहीं, अभी जाके किसको मल के रख देता हूँ। बस ये कह के फौरन उठ के चला गया। ये रामू तुम ही जाके उसे समझा के पकड़ लाओ। हाँ बेटा चला जा। अब वहाँ जाने से क्या हो सकता है माँ, वो तो रख भी चुका हूँ। नहीं भैया जाके देख तो ले, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। रामू तुम बेटा जरा धीरे से समझा वो जाकर ले आना, मार पीट ना करना। बेटा
आखिर तेरे मन में क्या समाये? जमीन तो मैंने तेरे नाम करे दे दी, मेरे मरने का रास्ता तो देखो होता, तुझे कैसे बताऊं? ये जमीन मैंने कैसी कैसी मुसीबतें उठा के सड़े दी थी, दिन को दिन नहीं समझी, रात को रात नहीं समझी, ये सब किसके लिए? तुम्हें दोनों के सुख के लिए, मेरे भाग में सुख ही कितना था, जो कुछ था तुम्हारे पिता साथ लेकर, अब इस संसार में मेरे लिए जो कुछ भी हो तुम ही दोनों, अकेली होती तो भीख मांग के भी जीवन बिता सकती। बेटा मैं तेरी विनती करती हूँ कि मेरे होते हुए ऐसा न कर, मुझे शांति से मर जाने दे। रामू, ये तूने जमीन का गिरवी रखा है, उनका मैं क्या कर रहा हूँ? रामू बेटी, ये तूने जमीन का गिरवी रखा है। रामू, इतने रुपए की जरूरत थी युवा खेलने के लिए? हाँ। रामू बेटा, बेटा बिरजू, नहीं नहीं रामू, फिर जो रामू, लाओ रुपया कहा है? जाने दो, झगड़ा मत करो, लाओ रुपया, नहीं है, जाने दे। रामू, रामू फिर जो रामू, फिर जो रामू, माँ माँ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मुझसे छूट गया, मेरा बिरजू वापस नहीं आएगा। बिरजू, 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 लौटा, देख तेरी माँ तुझे पुकार रही है, क्या तेरे मन में बिल्कुल दया नहीं रही? क्या तू एक दुखी जीव उनकी पुकार नहीं सुन सकता? बिरजू, ईश्वर ये पाप तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, तू तो एक बूढ़ी माँ के आखिरी आशाओं के संसार में आग लगा के जा रहा है। बिरजू, मेरा बच्चा, बिरजू। माँ, माँ धीरे धीरे, शांत रह, इतनी निराश न हो माँ। रामू, मेरी आशा मेरी आंखों के सामने मुझसे बिछड़ गई, जा, मेरी आशा मुझे वापस ला दे, तू बड़ा है, छोटे भाई को मना के ले आ, जा, तेरे कारण मेरा बच्चा मुझसे रूठ गया। बिरजू, माँ बुला रही है। मैं इतने नहीं रहूं, अच्छा होता अगर ये छुरी माँ के कलेजे में बिरजू, लौटा, मुझे माफ कर दे। बिरजू भैया, भैया बिरजू लौटा। चिट्ठी भेजी है, क्या लिखा है? लिखा है, लिखा है 2000 रुपया पुराने खनन में 12 बजे रात को आके रख जाओ, और नहीं रखोगे तो जान लेना, जान लेना गला घोट के मार डालूंगा। वो राधा बहन, बोलू मैं क्या करूं? तुम भी कोई उपाय करो राधा बहन, तुम्हारा बेटा है, अपना पूरा वक्त याद करो। मैं तुम्हारे काम आया था राधा बहन, अब मैं तुमसे बदला चाहता हूँ। देखो, इतने रुपए मेरे पास है, तुमसे 2-4 रुपए की बात होती तो मैं जैसे तैसे करके दे देता, ये 2000 रुपए में कहाँ से दूं राधा बहन? और दे भी दूं,
देवी दूध तो देने से पहले तो मेरे प्राण से निकल जाएंगे राधा बहन। कितनी तरह शाम में चल रहे बदमाश ने रुपया नहीं रखा तो क्या करे बेचारा। जब मौत आ जाती है तो अक्ल कुछ काम नहीं देती। चलो उसके घर से चल के ले आए। कौन माँ? माँ बेटा। माँ मेरी माँ। माँ माँ तू यहाँ कैसे आई? तुझे देखने के लिए आई बेटा। तू अच्छा है? माँ तू तो बहुत दुबली होगी। तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ आऊंगा? उसी काजी ने बताया होगा। क्यों दया करो तो गरीब पर। काल के समय उसने मेरे साथ बड़ा सलूक किया था। माँ तू नहीं जानती वो बुढ़ा बड़ा बदमाश। उसने हजारों पर जुल्म करके 70 रुपया जमा किया है। माँ वो बड़ा अत्याचारी। बेटा उसने अत्याचार किया है तो भगवान उसे उसका फल देगा। तू अपने हाथ क्यों खून में रंगता है? माँ अब मुझे खून की कोई परवाह नहीं। ये हाथ सैकड़ों के खून में रंगते रंगते काले हो चुके। माँ अब तू जा। नहीं देखा मैं तुझे साथ लेके जाऊंगी। नहीं नहीं माँ हद में कर जा। तू अपनी माँ से बातें कर रहा इतना निर्दयी न हो। याद रख इस बुढ़ी सुखियारी माँ के दूध और इन सूखे हुए कमजोर हाथों ने तुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया है कि तू आज बंदूक उठाए हुए है। लेकिन बेटा मैंने तुझे इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तू जवान होकर ये गुण करे। मैं तो जानती थी मेरा बिरजू बड़ा होकर मुझे सुख पहुंचाएगा। मरते समय मेरे पास बैठेगा। मैं अंधेरे में नहीं मरूंगी। मेरी आंखों में मेरे बच्चों का उजाला होगा। बेटा मैं तेरे पांव पड़ती हूँ। दया कर ये बातें छोड़ दे। आज गांव वाले तेरी माँ को गालियां देती हैं, धिक्कारती हैं। वो राधा छाती कहकर नहीं पुकारते। बहादुर आदमी प्रेम के खिलौनों से नहीं खेलते। नहीं नहीं माँ तू जा। आ मेरे साथ। माँ की गोद बच्चे के लिए हमेशा खाली रहती है। बिरजू माँ मैंने तुझे एक मरतबा मना कर दिया कि मेरे बीच में मत आ। माँ बच्चा माँ को मार सकता है। मैंने किसी का दिल दुखा के कौड़ी नहीं लिया। ये सबसे प्यार का बच्चा है देवी। नमस्ते नमस्ते। आओ 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 बैठो बैठो। बिरजू भैया आंखें ढूंढती थी मुझे देखने को। भैया तेरी चिट्ठी भी मिली थी। जमी जो जवाब में जो देर हुई चाचा जी तो मैंने कहा कि भगवान ना करना। भैया भगवान के सब दया है। रखो लग जाएगा भैया के। अब भैया जवाब की तुम ऐसी जानो कि अब एक अक्षर नहीं लिखा जाता। हाथ हाथ कांपता है भैया। और बेटा मैं तो तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारा ब्याह पता कर
करके रखा। कई दफे राधा बहन से कहा। चाचा जी जब तो मैंने कहा कि चलो चाचा जी के दर्शन भी चल रहे, और जो कुछ चाचा जी ने उम्र भर में जोड़ बटोर के रखा है उसे साथ ले ले, लगन के काम आएगा है। ठीक है ना चाचा? ये है चाचा कि अब तुम बुढ़े हो गए हो, रात रात अगर तुम्हारा दम निकल गया तो बड़ा गजब हो जाएगा, और कोई आरा गहरा लड्डू खैरा सब दे गया तो भतीजा बेचारा मुंह देखता रह जाएगा। तेरी जवानी खत्म किया, हर बार सब तेरा, लेकिन रुपया पैसा मेरे पास एक नहीं। घर बात तेरा लेकिन कुटिया को हाथ में लगाना है। अच्छा तो चाचा मैं लोगों को कह देता हूँ कि घर ढूंढ ले। भैया अच्छा भाई जाओ घर ढूंढ ढूंढ लो, भैया तुम्हारा घर है ढूंढ लो। अब चाचा ये बतलाओ कि नारद नारायण नगन दौरा मेरे पास सारे नाम का नाम ले। भैया चाचा की बात थी विश्वास, चाचा के बच्चे देख तरह टुकड़े करके फेंक दूंगा, यहाँ तिजोरी में कुछ नहीं है। रुपए बुट्ठे कहाँ रखे हैं? ये बिजू मेरे पास कुछ नहीं है। बता कुछ नहीं है बिजू बता। नहीं है बता नहीं है। पंडित जी बड़े गजब की बात है, कल सुखी लाला मारे गए और कौन जाने आज हमारी तुम्हारी बारी हो। भैया मुझे खुद रात भर नींद नहीं आती, अब तो इस गांव में रहना मुश्किल हो गया। पांडे जी कोई उपाय भी समझ में नहीं आता। लेकिन इसका उपाय क्या, उन लोगों का पता ही नहीं मिलता। पांडे जी एक उपाय है, एक दिन उस चुड़ैल राधा और रामू को गांव भर सलाह करके खूब भेजो, बस पता चल जाएगा। चलेगा लेकिन मैं जानता हूँ उन लोगों को भी कुछ पता नहीं। बदतमीज कहेंगे, शर्म नहीं आती ऐसे। भागो भागो यहाँ से, बाजी कहेंगे भागो यहाँ से। ठहरो ठहरो समझ लो समझ लो। क्या समझ लो? जो समझे आज मैं इन सब पाजियों का सर तोड़ डालूंगा। मेरे जीते जी श्यामू भैया की स्त्री पर यह अत्याचार हरगिज नहीं हो सकता। होश में आओ होश में आओ, सारे गांव में तुम भी नक्कू बनोगे। संतों से लड़के कोई जीता है? भाइयो तुम्हें मेरी बूढ़ी माँ को सताते शर्म नहीं आती? चार दिन पहले तुम इसे चाची कहकर पुकारते थे, आज तुम इसे पत्थरों से मारते हो। बड़े अफसोस की बात है माँ, दिन बीतते बीतते हम खुद बीत जाएंगे। तुझे ये अच्छा लगता है माँ कि लोग तुझे पत्थर मारे तुझे गालियां दें? मुझसे ये नहीं कहा जाता। बेटा मैं तो जब तक जिंदा रहूंगी तेरे पिता की आस लगाए इसी घर में पड़ी रहूंगी। भगवान जाने कब उनको तुम लोगों की याद आ जाए, मैं घर छोड़ दूं। अगर वो आ गए घर अकेला होगा, वो बेचारे किधर जाएंगे? अब तो वो भी बूढ़े हो गए होंगे, गांव में तो उन्हें कोई पानी भी नहीं देगा। देखिए सरकार हमारे अड्डे के आस पास बड़ी फेर से फिर रहा है, नाम निशान पूछते हैं तो गुंडा बनकर हमें उल्लू बनाना चाहता है। अच्छा खोल दो इसका मुंह। रामू भैया तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? किसी ने नहीं, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देखने आया। मैं भाई भाई कुछ नहीं जानता, तुम यहाँ चले जाओ। बिरजू माँ का आखिरी समय,
ईश्वर जानता दिन भर तेरा नाम लेके रोया करती है, हर वक्त घर में पड़ी रहती है। बिरजू, गांव वालों ने घर से निकलना बंद कर दिया, लड़के बच्चे पत्थर मारते हैं, ढेर चिमार गालियां देते हैं, डायनर चुड़ैल कहके पुकारते हैं। बिरजू, तेरी वजह से तेरी बूढ़ी माँ की ये गत हो रही है। भगवान को मान के अब घर चल, ये सब छोड़ दे। मैं तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, मैं माँ के लिए कह रहा हूँ बिरजू। रामू भैया, अब मैं बच्चा नहीं। जो दुख भरी कहानियां मेरे मन को पिघला दे। संसार में दुख सुख सब होते ही रहते हैं, मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं। अब तुम जाओ। रज्जू, मैं आज घर से ठान के चला हूं कि तुझे साथ लेके जाऊंगा। आज या तो तू नहीं और या मैं नहीं। यह तुम्हारी शादी हो चुकी। जानबूझकर जवान पत्नी को विधवा बनाना बड़ा पाप। बस तुम्हारी इसी में खैर है कि चुपचाप चले जाओ। बिरजू, मैं तुझे साथ लेके जाऊंगा। मैं कहता हूँ चले जाओ। बिरजू, तुझे चलना पड़ेगा। मैं कहता हूँ चले जाओ। तू कैसे नहीं चलेगा? देखो तो इसको उठा के बाहर ले जाओ। बिरजू, तू ठीक नहीं कर रहा। मेरे लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए चल। मान जा, अपनी मान जा बिरजू। राधा बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वहाँ तुम्हारी बेटी की लगन हो रही और तुम अभी तक घर ही में बैठी हो। चलो उठो, जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं था। मालूम क्यों नहीं था बहन, लेकिन तुम मुझे वहाँ न ले जाओ। मैंने सुना है कि गांव वाले कहते हैं राधा आएगी तो हम लोग नहीं आएंगे। कहने दो, न आएंगे तो क्या मेरी तुलसी की लगन रुक जाएगी? वाह बहन, खूब कही, अच्छा ढोंग बना के बैठी हो। चलो उठो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कमला, मैं इसलिए नहीं आई कि एक के कारण शादी वाले घर में काहे को झगड़ा, नहीं तो मैं अब तुलसी के लगन में ना आती। अच्छा अच्छा, उठो उठो। तो हम लोग नहीं बैठ सकते। बंसी भैया, अब तुम अकेले ही शादी कर लो, हम लोग जाते। मगर नाना, कुछ बताओगे भी? हमसे कुछ भूल हुई? भूल हुई? हमसे पूछा भूल हुई? हमने कह दिया था अगर राधा शादी में आएगी तो हम लोग नहीं आएंगे। चलो भाई। अरे लाला, तुम भी कैसी बातें करते हो? राधा बहन क्या कोई नीच है, अछूत है, क्या है? नीच और अछूत से बेहतर है, नीच और अछूत इससे अच्छे होते हैं। नीच और अछूत इससे अच्छे होते हैं। हाँ लाला, सच कहते, नीच और अछूत मुझसे अच्छे होते हैं। कमला बहन, मैं जाती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे मत ले जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, हम लोग ही जाते हैं। लेकिन भाई, राधा बहन का दोष क्या है? दोष क्या है? ये अपने लड़के से गांव में डाके डलवाए, खून करवाए, अब तुम पूछते हो दोष क्या है? मैंने भाई, वो तो बेचारी उस बदमाश से खुद आजिज है, मगर वो मजबूर है। खूब होशियारी से, जब तक मैं दूर ना निकल जाऊं, तुम सबको रोके रखना। चलो मैं
जाने दो जाने दो, जब होंगे कभी शादी होगी। अरे चल रहे चल रहे होके सुखी नाला के घर के पीछे से इन लोगों को सबको घेर लो। अरे जाओ खड़े क्या हो, अरे मुंह क्या देख रहे हो, क्या हो तुम पर खा रहे हो, चार चोरों से डर गए, मारो इन बदमाशों को मारो 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 बिट्टू क्या करता है, देखता नहीं शादी कर रहा हूँ, नहीं हो सकता है दूसरे के पत्नी हो चुकी है, वहाँ तो आदमी अपनी पढ़ाई कुछ नहीं जानते, नहीं ले जाने दूंगा हर दूसरी बात। दादा बहन मैं तो लुट गई, कहीं की न रही, अच्छा हुआ जो ले गया, और बुला अपनी दादा बहन को, वो तो एक दिन तुम्हें भी ले जाएगा। अरे इसी टाइम से गाँव के ले जाए, हाँ इसी से गाँव लेकर आए, अगर नहीं लाए इसका घर भूख दो। जरूर ला दूंगी, कब ला दूंगी, जब वो सारे गांव के माथे में कलंक का टीका लगा देगा, वैसे ऐसे शादी कौन करेगा। मेरा बिरजू ऐसा नहीं, रामू रामू बिरजू बिरजू चुप बिरजू बिरजू चुप, भगवान के लिए कहना ले जा, मां मुझे छोड़ दे, बिरजू 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 कमला के एक ही बच्चा है, वहां पे बच्चे को नहीं जीते नहीं, तुम ईश्वर मुझसे मेरे बच्चे की भेंट ले लेगा। बिरजू ने मरते मरते गांव वालों के सामने तेरी बात रख ली और भगवान के सामने तेरी भेज भी पूरी हो गई थी। मां ये तूने क्या किया, एक औरत ने गांव वालों को वचन दिया था उसे पूरा किया, कमला लो मां भगवान एक औरत की लाज रखने को तूने मां से बेटे की भेंट ली, अब मां की भी लाज रख ले। मां 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 मां